अगर आपको याद हो, हमने ये कहा था कि असेंबली का पहला बिजनेस जो होगा वो रेजोल्यूशन होगा। हमने ये कैंपेनिंग के दौरान भी कहा, अपने मैनिफेस्टो में भी कहा, हमारी तकरीरों को भी आप चेक कर सकते हैं। असेंबली परसों शुरू हुई, जैसे कि आप जानते हैं, पहला दिन स्पीकर का इलेक्शन है तो रूटीन बिजनेस नहीं होता। दूसरा दिन ओबिचुरी का था तो रूटीन बिजनेस नहीं होता। आप सब जानने वाले हैं, आपने असेंबली शायद कवर भी की है, लेजिस्लेशन कवर भी किया है इससे पहले। तो पहले दो दिन रूटीन बिजनेस नहीं होता है। आज पहला दिन था रूटीन बिजनेस का, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जैसे वादा दिया था कि जो भी पहला बिजनेस होगा इस असेंबली का वो रेजोल्यूशन होगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस गवर्नमेंट का, उमर साहब का, सभी साथियों का, अपनी तंजीम का, जिन्होंने जो वादा किया था उस वादे को आज पूरा किया। तो ये यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है, ये एक ऐसी जदोजहद है। जैसा कि मैंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी कहा, उस जदोजहद का ये दरवाज़ा है, ये रास्ता है। आज वो रास्ता खोला गया, मैंने पार्लियामेंट में अपनी कैपेसिटी में, हम्बल कैपेसिटी में कोशिश की, असम्बली के ज़रिए वही बात पहुँचानी भी बहुत ज़रूरी थी। तो पार्लियामेंट में जो बात हमने की, आज असम्बली के ज़रिए जो बात पहुंची, तो ये कंबाइन होके रियासत की कंसोलिडेटेड एफर्ट से या मुहकम तरीके से जो बात पहुंचनी चाहिए थी वो आज मुकम्मल हुई। तो अब ये जदोजहद हमें आगे लेके जाना है। रियासत की मेजॉरिटी का मैंडेट है, बीजेपी जम्मू नहीं है, जम्मू के बहुत सारे रीजन्स के बहुत सारे मेंबर्स जो है वो नॉन बीजेपी मेंबर्स हैं। इसी तरह से कश्मीर से भी जो मेंबर्स उनके आए हैं वो भी जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेजॉरिटी जो है वो इस रेजोल्यूशन के हक़ में है, इस सेंटिमेंट के हक़ में है। आज आपको पता है स्पीकर्स के काम करने के तरीके पे बीजेपी हमें दर्स ना दे तो अच्छा ही रहेगा। पार्लियामेंट में आपको पता है कि स्पीकर कैसे बिहेव करता है, न सिर्फ उनका बिहेवियर बायस्ड होता है बल्कि कभी कभार आप देखते हैं कि वो एथिक्स से भी बाहर जाते हैं, अखलाक से भी बाहर जाते हैं। तो बीजेपी से ये बातें हम सुनना नहीं चाहेंगे। रोला साहब, यूटी में हम हैं और यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास ही पहले फाइल जायज थी, असेंबली ने अपना काम किया, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एलजी ऑफिस? देखिए, ये मुझसे ये सवाल ना पूछे आप। एलजी ऑफिस मेरे लिए कोई डेमोक्रेसी में कोई मानी नहीं रखता। तो एलजी ऑफिस साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, यूएसबी चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट, तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बुहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191-255-4360-255-4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।